नमस्कार बोकारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ऐसे ही ख्यालों के हैं पिंडरा जोड़ा के रहने वाले शंकर महता। कभी मार्केटिंग की नौकरी करने वाले शंकर ने अपनी एक सोच से अपने गांव की तस्वीर बदल दी। उन्होंने मार्केटिंग की दुनिया से ज़्यादा जैविक खेती में अपना उज्जवल भविष्य नजर आया। तो 3 वर्ष पूर्व उन्होंने नौकरी छोड़ जैविक खेती को ही अपना मिशन बना लिया। कड़ी मेहनत से न सिर्फ अपने और अपने गांव के खेतों में हरियाली लहलहाई, वरन लोगों को जैविक खेती के फायदे भी समझाए। उन्होंने अपने गांव में एक प्रशिक्षण सेंटर खोला, किसानों को प्रशिक्षित करना आरंभ किया। यही नहीं, प्रदेश भर में घूम घूम कर करीब 18,000 किसानों को जैविक खेती के फायदे गिनाए। वहीं उन्होंने जैविक खेती के गुर भी सिखाए। आज वो किसान जैविक खेती से ही फसल उगा रहे हैं। शंकर बताते हैं कि झारखंड में इसकी असीम संभावनाएं मौजूद हैं। जाहिर है, केमिकल खेती छोड़ पूरा विश्व हमारी धरोहर जैविक खेती को पहचान चुका है और अब उनका झुकाव भी इस ओर नज़र आने लगा है। 3 मित्रों की इस टीम ने अपने मिशन को और आगे ले जाने वास्ते रवि सिंह चौधरी की लिखित कृषि संहिता नामक पुस्तक का विमोचन स्थानीय विधायक वीरेंची नारायण के हाथों कराकर इस मिशन को जन जन तक पहुंचाने के अपने संकल्प को दोहराया है। विधायक वीरेंची नारायण ने सिर्फ इन मित्रों के प्रयास को सराहा, वरन अपने स्तर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट और क्या कहते हैं शंकर महता व विधायक वीरेंची नारायण, सुनते हैं। समय में ये जैविक खेती जो है वो कितनी फायदेमंद है, कितनी जरूरत है। जैविक खेती एक मिशन है, इस पर काम करना एक मिशन है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं आपको कहता हूँ कि आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को इस ओर आनी पड़ेगी। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक शुरुआत इन लोगों ने किया है। और मैं सारे मित्रों को, चंदन जी को, शंकर जी को, रवि जी को, मैं बहुत इनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि समय समय पर इसको एक आंदोलन के रूप में लीजिए। कोई भी नौजवान यदि आपसे कुछ जानना चाहे, सीखना चाहे, तो ज़रूर उसको बताइए। और मुझे खुशी है कि एक पुस्तक का भी इन लोगों ने आज विमोचन करवाया है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने इनको भरोसा दिलाया है कि मुझसे जितना बन पड़ेगा, इनकी संस्था रजिस्टर्ड है, मुझसे जितना बन पड़ेगा इनको मदद करूँगा, ताकि मेरे विधानसभा सिर्फ नहीं बल्कि ज़िले से और राज्य के कोने कोने से कोई यदि जैविक कृषि के रूप में यदि कुछ कार्य करना चाहें, सीखना चाहें, तो पिंडरा जोरा मंडल के प्रखंड, ये जो मंडल है इसके चास के एक छोटे सुदूर गांव से इसकी जो महक है पूरे झारखंड में पहुंचे। आज के डेट में क्या महत्व है या जैविक खेती कितनी अच्छी है और खेती से, इसके बारे में शॉर्टकट में। जैविक खेती में क्या है कि आज के डेट में जो हम लोग बीमार पड़ रहे हैं उसका मेन कारण है खाने पीने का, जो केमिकली ट्रीटेड या बीज से हो या दवा मार के, तो उसके चलते वो मेरा हानिकारक है, वो एक समय के बाद पता चलता है, जब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। और रहा कि आज के डेट में जो जैविक खेती है, ये हम लोग के पूर्वज हजारों साल से यही करते रहते थे, पूरा दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये फॉल्स है। लेकिन नहीं, हम लोग का रहन सहन ही ऐसा था कि हम लोग जैविक खेती करते थे। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग आज जैविक में आधुनिक जो वैज्ञानिक तरीका को यूज करके किसान को संगठित करके उनको मार्केट देके उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप लोग का ये मेहनत कितना रंग ला रहा है अभी तक? हम जहाँ तक जानते हैं कि ये सफ़र हम लोग का 2016 के लास्ट से शुरू हुआ था, तो मान के चलिए कि 3 साल का ये जर्नी है। और 3 साल में पूरे झारखंड में लगभग 18,000 किसान हम लोग के साथ, हम लोग का साथ जुड़ के कर रहे हैं अलग अलग ज़िलों में। और अब तो ऐसा है कि दूसरे जिलों से या दूसरे राज्यों से भी लोग हम लोग से सलाह। अच्छा शंकर जी, ऐसा है
जैसे झारखंड हमारा है, ये तो खेती के मामले में बहुत आगे नहीं है या बहुत उत्तम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जैविक खेती आप लोग करवा रहे हैं, इससे कितना लोग को प्रोत्साहन मिला? अब देखिए क्या है कि झारखंड पूरी तरह से एक जंगल क्षेत्र है, इसीलिए इसका नाम है झारखंड, ठीक है। और झारखंड में मेन जो है जंगल आधारित खेती ही यहाँ का सर्वाइविंग है, जो आदिकाल से चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ फूल, पेड़ पौधा, उसका फल, उसका छाल, उसका जड़, वही धीरे धीरे करता, उसी को इंट्रोड्यूस करना। और ये जो छोटा छोटा पीरियड में अपना जरूरत का सब्जी उगा के हम लोग खा रहे हैं, तो झारखंड में एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसे अभी आप सुने होंगे कि यहाँ का मधु बहुत बेस्ट क्वालिटी का है, चूँकि जंगल में मधु है, उसमें कोई मिलावट नहीं होना है, इमली जंगल बेस्ड है, इसके लिए अलग से खाद पानी देने की जरूरत नहीं है, और इसका डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन हम लोग को मार्केट का जरूरत है। जो इसका भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? भविष्य तो सर, हम अब 3 साल में जब हम मार्केटिंग और का जॉब छोड़ के आए थे, तब लग रहा था लोगों ने बोला कि एक गलत कदम है, लेकिन आज आपके सामने रिजल्ट है कि किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, नए नए जॉब छोड़ के विदेश से आके लोग हम लोग साथ जुड़ के जैविक खेती कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? पूरा नाम मेरा हुआ शंकर महाथा, ठीक है। और ये काशी झरिया है, यहीं से मैं सारा अलग फील्ड में जाके ऑपरेट करता है, इसको हम लोग एक रिसर्च सेंटर, लर्निंग सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, ठीक है। और यहीं से उनको हम लोग ट्रेन करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आइए, ठीक है, बाकी जो समस्या वो लोग हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। चलिए, धन्यवाद।